अब देखिए मानसून कहीं राहत तो कहीं पर आफत लेकर आया है। देश के कई सारे हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश ने गुजरात को मुसीबत में डाल रखा है। गुजरात के ज्यादातर जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो होने लग गए हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि मुख्यमंत्री को उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लेना पड़ा है। राज्य में मूसलाधार बारिश के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ टीमों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। आसमान से बरसती बूंदें राहत के साथ आफत भी लेकर आई हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं लहरें मुसीबत पैदा कर रही हैं, कहीं आशियाने तिनके की तरह बिखर रहे हैं, कहीं सैलाब जिंदगी का इम्तिहान ले रहा है। मॉनसून के दस्तक के साथ ही देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। सबसे मुश्किल हालात गुजरात में दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में जिंदगी सैलाब के संकट से दो दो हाथ कर रही है। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं, जहां उफनती लहरों के बीच में जिंदगी घिरी दिखाई दी। कच्छ के गलपाधर में नदी के तेज बहाव के बीच में तीन लोग फंस गए। आनन फानन में रेस्क्यू शुरू किया गया और समय रहते तीनों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। गुजरात के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो होने लग गए हैं। गुजरात के जामनगर इलाके में जिंदगी लहरों से जूझती नजर आई। जामनगर के रोजिया गांव में पुल पर पानी भर गया। उफान ऐसा था जिसे पार कर पाना बेहद मुश्किलों भरा था। पुल से गुजरने के लिए ग्रामीणों ने रस्सी बांधी, फिर एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते रहे। कुछ लोग उस खतरे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। लोगों ने रस्सी के सहारे उनकी जान भी बचा ली। शहर से लेकर गांव तक सैलाब का शिकंजा है। हालात ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री को उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लेना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्टेट डिजास्टर सेंटर पर समीक्षा बैठक की। राज्य में मूसलाधार बारिश के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ टीमों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही गुजरात के बड़े हिस्से में तूफान बिपरजॉय ने तबाही मचाई थी। अब आसमान से बादलों वाली मुसीबत बरसने लग गई है। ये तस्वीरें कच्छ के गांधी धाम से आई हैं। आप भी देख सकते हैं कि बारिश ने कैसे रेलवे स्टेशन पर अपना कब्जा जमा लिया। टिकट काउंटर और पूछताछ काउंटर में पानी लबालब भरा है, जिससे यात्रियों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब जूनागढ़ से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। यहाँ तीन दिनों में इतनी बारिश हुई कि कालवा नदी उफान मारने लगी। आलम यह है कि तमाम डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए डैम के किनारे बसे इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। सावधानी बरती जा रही है ताकि किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। अभी इस डैम में भारी बारिश के कारण पिछहत्तर हजार क्यूसेक जितना आउटफ्लो डैम में से चालू है, 4 मीटर का ओवरफ्लो है और मंथली तालुका और माणावदर तालुका के जो डाउन स्ट्रीम के विलेजेस है उसको इधर से हॉट डैम अलर्ट कर दिया गया है और मैसेज भी पास कर दिया गया है। अभी हाल की स्थिति के हिसाब से कोई दुर्घटना हो ऐसा कोई इतना नहीं। कालवा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। गुजरात के अन्य कई जिलों में हालात काफी गंभीर हो चले हैं। नवसारी भी उनमें से एक है। 36 घंटों में वहां 9 इंच बारिश हुई। इसकी वजह से निचले इलाकों में खूब जल भराव हुआ। हालात ऐसे कि रिहायशी इलाके में पानी ही पानी देखा जा सकता है। नवसारी बारडोली हाईवे तो बारिश के पानी में डूब चुका है। दिल्ली के लिए अगर बात करें तो दिल्ली से धीरे धीरे थोड़ा बादल कम हो रहा है। यहाँ पर अभी आपका बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म्स आसपास छूट-फूट हो सकता है, पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मगर अगर आप देखते हैं कि ये जो फ्रेश सर्ज आ रहा है उसके चलते परसों से लेके 3 तारीख से लेके 3, 4, 5 से 5 को ज्यादा होगा, ये सभी इलाके में आपका बारिश बढ़ेगा फिर से। मूसलाधार बारिश से खेत खलिहान गलियां मैदान सब जलमग्न हैं। अहमदाबाद में बीती रात जबरदस्त बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब गई। रोड के आसपास खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई सी दिखाई दी। अहमदाबाद के वीवीआईपी इलाकों में भी पानी ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। जहां जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां रेंगती नजर आई।
मौसम विभाग ने अब कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में येलो अलर्ट है, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट है, महाराष्ट्र के कोंकण में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। चेतावनी ये भी है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 3 से 4 दिन बारिश हो सकती है। गुजरात में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते ज्यादातर इलाकों में जलभराव की स्थिति है। यहाँ पे भी ये नवसारी और बारडोली का स्टेट हाईवे है जहाँ पे पूरी तरह से जो रोड है वो पानी में डूब चुका है और यहाँ से जो यातायात है वो भी बाधित हुआ है। ज्यादातर जो भी गाड़ियां थी उनको डाइवर्ट किया गया है क्योंकि ये काफी ज्यादा बिजी हाईवे रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये बारडोली जाने का रास्ता है और स्टेट हाईवे जिसकी वजह से ट्रैफिक भी ज्यादा रहता है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है और यहाँ पे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से ये हाईवे है, हाईवे की स्थिति है, पानी जो है सिर्फ 2 या 4 इंच बरसात हुई है और उसके बाद ये स्थिति है और यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग फंस चुके हैं। वहाँ पे जो है वो लोग यहाँ से रास्ता पसार करने की कोशिश कर रहे थे और पास होने की कोशिश कर रहे थे पर वो खुद वहाँ फंसते जा रहे हैं क्योंकि काफी गड्ढे हैं रोड पे और काम भी चल रहा था। गुजरात में मौसम की मार से निपटने के लिए जहाँ प्रशासन अलर्ट मोड पर है तो वहीं जान माल के नुकसान को रोकने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद है। नवसारी से ब्रजेश जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।